अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके मद्देनज़र ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने लोगों को काबुल एयरपोर्ट की यात्रा करने को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। एयरपोर्ट के आसपास इकट्ठा हुए लोगों को कहा गया है कि वे तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। काबुल एयरपोर्ट के जरिए लोगों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत ऐसे समय पर आई है जब 31 अगस्त तक देश से बाहर निकलने की प्रक्रिया को पूरा करना है। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा राजधानी पर कब्जे के बाद से 80,000 से अधिक लोगों को पश्चिमी बलों ने काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकाला है। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी में 8 लोग मारे गए थे। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने आतंकी हमले के उच्च जोखिम के बारे में बढ़ती चिंताओं के बारे में बताया है, खासकर इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने वाले समूह ISIS के द्वारा आत्मघाती बमबारी की चेतावनी दी गई है। इस बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमेरिकियों को गेट्स के बाहर सुरक्षा खतरों के चलते एयरपोर्ट की यात्रा करने या वहां इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि AB गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर मौजूद लोगों को अब तुरंत निकल जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की ट्रेवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अफगानिस्तान में स्थित बहुत अस्थिर और खतरनाक है, बड़ी भीड़ हिंसा की वजह जोखिम बढ़ सकता है। कहा गया है कि हवाई अड्डा परिसर में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। उधर पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा है कि तालिबान ने अपनी चौकियों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और वे भीड़ नियंत्रण में जुट गए हैं। हमने कल अनुमान लगाया कि भीड़ पिछले दिनों की तुलना में लगभग आधी है। उन्होंने कहा कि हमने भीड़ को उस स्तर तक बढ़ते नहीं देखा है जितनी वो शुरुआती दिनों में थी, लेकिन हाँ, इसका कारण निश्चित रूप से ये भी है कि तालिबान ने क्षेत्र के चारों ओर पहुँच एवं नियंत्रण के अपने कदमों को मजबूत कर दिया है।